भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ पूरी दुनिया सनातन संस्कृति कहलाती थी। अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर क्यों मेरा भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा, फिर क्यों मेरा भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा। अगर अपने ही गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े भी हर बार न होते। भारत माँ की लाज बचाने आजाद ने गोली खाई थी, कैसे भूलेगी दुनिया वीर सावरकर ने काले पानी की सजा पाई थी, कैसे भूलेगी दुनिया वीर सावरकर ने काले पानी की सजा पाई थी। बारूदों के ढेर पड़े हैं भारत के नक्शों पर, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहाँ खड़े थे वही खड़े हैं। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा, क्या चाणक्य की कूटनीति भी यह काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना नदियां भी यहाँ रौद्र रूप न दिखलाई। अरे दोनों हाथों से करुणा की रानी तलवार चलाती थी, इज्जत है तो रानी पद्मावती अग्नि में जल जाती थी। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय राम जी की सभी भाइयों को भूले ना। माना की भीख मांगकर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से लाओगे। हमारे पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है, जंग हथियारों से नहीं हिम्मत से जीती जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, आंख ना होने के बावजूद अपने परम शत्रु मोहम्मद गोरी को मार दिया था। ये वह भारत है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है।